हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं मेरे होंडा सिटी के पुराने टायर जो 2013 और 12 के हैं, पूरा टायर हो गया, गोल हो गया तो ये टायर पूरे गोल हो गए, पुराने हो गए और 10-12 साल पुराने टायर्स हैं, तो उसका कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है। अभी मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। 2021 के टायर्स हैं ये, हैनकॉक कंपनी के हैं, देख सकते हो 2021। और ये चार टायर मेरे को मिले हैं 5500 के आसपास में। तो नया टायर तो 16000 का था, मैं सोचा थोड़ा बजट में काम कर लेते हैं। तो ये कुर्ला CST रोड है, बहुत ही ट्रैफिक वाला एरिया है, यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में एक ठीक ठाक चलने वाले टायर्स मिल जाएंगे। तो अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मैं जो यहाँ पे है हमारे भाई सलमान, उनका नंबर दे दूँगा, वो आपको हेल्प करेंगे एक रीज़नेबल प्राइस में अच्छे टायर्स के लिए। ये मेरा पुराना टायर है क्योंकि पूरा कम्प्लीटली ये हो गया है, कड़क हो गया है। एक्चुअली टायर के थ्रेड्स तो पूरे हैं लेकिन उसका जो रबर है बहुत कड़क हो गया है बिकॉज ऑफ एज, टायर गोल हो गए और टायर गोल हो जाते हैं, उसके अंदर का जो तार होते हैं वो इट बिकम्स वेरी हार्ड, तो वो शॉकअप सस्पेंशन ख़राब करते हैं। तो बेसिकली इतना पुराना टायर तो यूज़ नहीं करना चाहिए था, बट कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो मैं चेंज नहीं कर पाया, बट अभी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो देखो इस तरह से क्या फटाफट काम हो रहा है यहाँ पे। और देखो ये मशीन भी है, ये एक्चुअली टायर पंचर की शॉप है, टायर का शॉप उसी जगह पर है। इस तरह से रिम्स चेंज कर रहे हैं, मैं दूर हो जाता हूँ, लग नहीं जाए मेरे को। मशीन है तो एक टायर अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 1200 के आसपास पड़ा है, क्योंकि नया मेरे को तकरीबन 16000 के आसपास पड़ता, तो उतना बजट नहीं है तो मैंने ये पुराना टायर लगाया है। ये मशीन है, इस पर ये लोग एलॉयज फिट करेंगे, चारों एलॉयज के टायर फिट करेंगे। ये मेरा पहला हैनकॉक का टायर है जो फिटिंग हो रहा है, मेहनत के साथ, टेक्नोलॉजी भी है, दैट्स अ गुड थिंग। पानी लगा कर फिटिंग करते हैं। आयो पंचर वाला टायर कौन सा है यार? हाँ, तो चार में से सिर्फ एक टायर में पंचर था, वो रिपेयर करके दे रहे हैं, बाकी इट्स इन अ वेरी गुड शेप। ये देख लो, फुल थ्रेड है टायर का, स्पोर्ट्स टाइप टायर है।